भारत को बार बार मजबूती दे रहा है, बार बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। और जब इतना अटूट विश्वास है, इतना भरोसा है, तो स्वाभाविक है देश की अपेक्षाएं भी बढ़ेगी। और मैं इसे अच्छा मानता हूं और हम सबका कर्तव्य भी मानता हूं। और इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है, और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहते कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों, एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना, ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है, और हमारे पास रोडमैप भी है। तेज विकास का है, और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। और ये खाली 5 और 3 का आंकड़ा नहीं है, उसके कारण जो अर्थव्यवस्था का कद बन जाता है वो सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सरलता बढ़ जाती है। देश के लिए जो जरूरतें हैं वो आराम से पूरी करने का सामर्थ्य बन जाता है। और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं। राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही महत्वपूर्ण है। और भारत के संविधान ने हमें जिस प्रकार का दिशा निर्देश किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, लेकिन मैंने उसमें आग्रह रखा है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, राज्य और केंद्र के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम अच्छा करने की स्पर्धा करें। और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते, और हमने देखा है जब मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता हूं, आपने देखा G20 समिट हम एक जगह पे कर सकते थे, हम भी मालाएं पहन करके फोटो निकलवा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के अनेक शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंगें हुई, और दुनिया भर के नीति निर्धारक जो कहे G20 देशों के और बाकी भी 5-7 देशों के, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में गए, उनके देशों में जाकर के भारत की विविधता, भारत की विशालता, इसकी चर्चा कर रहे हैं। उनके लिए आश्चर्य है, हमने तो दिल्ली आकर के वापिस जाते थे पता ही नहीं था कि देश इतना बड़ा है। तो ये अपनी एक ताकत का परिचय हुआ है। हमने कोविड में देखा राज्यों के साथ कोऑपरेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, और एक सूत्र में रहकर के लड़ाई, दल किसी का भी हो सरकार में, लेकिन हमने इस काम को किया क्योंकि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रति कमिटमेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा मॉडल है गवर्नेंस का
जिसमें राज्य भी उतना ही सक्रियता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत हो रहा है जिसका अब तो केस स्टडी के रूप में दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटी केस स्टडी करना शुरू की है। अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि हमारे ग्रास रूट लेवल पे भी जो वीक एरियाज हैं, जहां सुविधाएं अभी सामान्य एवरेज से भी नीचे हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी उस स्टेट की एवरेज तक लाना चाहते हैं। देश का रीजन कोई भी क्षेत्र हो, सर्वांगीण विकास को लेकर हम चले हैं।